बोले चप्पल कैसे बनाते हो, जूता कैसे बनाते हो? तो बोले लाओ देखो मैं भी बनाऊं। एक जूता चिपकाए और एक चप्पल की सिलाई की, ठंडा पिला दिए, स्वागत कर दिए, चले गए। ये राहुल गांधी किसकी चप्पल सिलने लगे हैं? क्या टूटी चप्पल पहनकर चल रहे हैं राहुल गांधी? यह सवाल इसलिए क्योंकि अचानक से राहुल गांधी मोची के पास बैठ जाते हैं और वहां उनकी चप्पल सिलते हुए एक तस्वीर सामने आती है। राहुल गांधी गृह मंत्री और अमित शाह मानहानि केस में शुक्रवार को सुल्तानपुर कोर्ट पहुंचे। लौटते वक्त राहुल ने अचानक अपना काफिला एक मोची की दुकान पर रुकवा लिया। गाड़ी से उतरकर राहुल गांधी रामचेत की दुकान पर पहुंचे, चप्पल की सिलाई की, उनसे पूछा कि जूते बनते कैसे हैं। करीब 5 मिनट तक रामचेत से बातचीत के बाद राहुल वहां से निकल गए। रामचेत ने राहुल से कहा, मैं गरीब हूं, थोड़ी मदद कीजिए। भैया क्या नाम है आपको? रामचेत। राहुल गांधी और हैं, कहां पर आए के गए, कहां के हैं? हमारे पास आए, बोले चप्पल कैसे बनाते हो, जूता कैसे बनाते हो, तुमने बनाया है? हमने कहा हाँ जी। बोले दिखाओ कैसे बनाते हो। दिखाए ना उनका, तो बोले लाओ देखो मैं भी बनाऊं। वो भी बनाए हमारे साथ मिलकर के, एक जूता चिपकाए और एक चप्पल की सिलाई किए। बोले कारीगरी तो बहुत अच्छी है, इनकम क्या होता है? इनकम बताया। कितना बताया? कि 5-6 हज़ार होता है, लेकिन 5-6 हज़ार में परिवार ज़्यादा है, खर्चा पूरा नहीं होता है, पूंजी हमारे पास है नहीं कि हम इसको आगे बढ़ाएं। बोले कि देखो आगे बात बढ़ाते हैं, देखो क्या करते हैं भाई, बोल के गए हैं। कुछ खरीदा नहीं? नहीं खरीदा नहीं। बनवाया नहीं क्या? नहीं बनवाया नहीं, खरीदा नहीं, बना करके देखा कि किस तरह से बनाते हो। हाँ, जूता और चप्पल। अच्छा, उसके बाद क्या किए आप यहाँ करके? बस कुछ नहीं, ठंडा पिला दिए, स्वागत कर दिए, चले गए। राहुल ने नीट छात्रों से भी मुलाकात की, कहा कि पेपर लीक होना भविष्य के कहां की है। पेपर लीक होनहार बच्चों के भविष्य के साथ एक तरीके से खिलवाड़ है। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह की मानहानि केस में राहुल सुल्तानपुर की MP MLA कोर्ट में पेश हुए। यहां उन्होंने बयान दर्ज कराए, जज से कहा मैं निर्दोष हूं, मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश हुई है, मैं सारे आरोपों से इनकार करता हूँ, मेरी और मेरी पार्टी की छवि को धूमिल करने के लिए आरोप लगाए गए हैं। राहुल गांधी करीब 16 मिनट तक कोर्ट रूम में मौजूद रहे। 12 अगस्त को इस मामले में अगली सुनवाई होनी है। राहुल के पहुंचने के पहले ही कोर्ट में जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। राहुल पर आरोप है कि 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कहा था कि अमित शाह हत्या के आरोपी हैं। इस बयान के खिलाफ सुल्तानपुर में भाजपा नेता विजय मिश्रा ने 2018 में मानहानि का केस दर्ज कराया था। इसी मामले में सुनवाई हुई दिसंबर 2023 में। इस मामले में राहुल के खिलाफ और जमानती वारंट जारी हुई थी, जिस पर राहुल ने 20 फरवरी को कोर्ट में सरेंडर करके जमानत करवाई थी।